भीम सबकी मदद कर रहा है। अंकल को नारियल लेने में मदद की तो भीम को अंकल ने दो नारियल दे दिए और भीम ने अपनी टोकरी में डाल दी और दूसरे अंकल कुछ पिल रहे थे और वो पूरी तरह से थक भी गए थे। और तभी होती है हमारे भीम की एंट्री और भीम ने वो चीज मांगी और भीम ने दोनों हाथ से खींचना शुरू कर दिया उनका पाउडर बना दिया। अंकल तो पूरी तरह से चौंक गए। भीम ने दोबारा मांगा और उसका पाउडर बना दिया। फिर ऐसे करते करते भीम ने सभी खत्म कर दिए और धीरे धीरे अंकल का काम हो गया। फिर अंकल खुश हो गए भीम को दो पोटली पैसे दे दिए और भीम खुश हुआ और पैसे को अपनी टोकरी में रख दिए। फिर भीम सबका काम करता गया वो सब लोग भीम से खुश होकर उसने कुछ चीजें देते गए। इस वक्त भीम बहुत खुश है। तभी हेलो वेलकम गाइस, तो आपने देख लिया है कि ऐसा वीडियो जो कि कार्टून वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है और आप भी ऐसा वीडियो बना सकते हैं कुछ ही मिनटों में। तो मैं आपको कम समय में बहुत अच्छा वीडियो बना के बता देता हूं अभी और आप भी ऐसा वीडियो बना सकते हैं गाइस। और हाँ, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बात कर सकते हैं। ये देखिए इनका एक चैनल, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इनके लगभग 3 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए बहुत ही कम समय में इनने इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कर लिया है, लगभग 3 मिलियन सब्सक्राइबर। तो देरी मत कीजिए, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से मेरे वीडियो को वॉच करना है। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसा कार्टून वीडियो कहाँ से डाउनलोड करना है। तो सिंपल सा आपको यूट्यूब ऐप में चले जाना है। मैं आ गया यूट्यूब ऐप में और यहाँ पर आपको सर्च कर देना सिंपल सा भीम कार्टून। तो मैंने लिख दिया भीम कार्टून और यहाँ पर ये देखिए अभी मैं सर्च कर दूँगा। सर्च कर दिया, यहाँ पर देखिए बहुत सारा भीम कार्टून वीडियो निकल के आ जाएगा। सिंपल सा आपको कोई भी एक वीडियो उठा लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको अभी मैं बता दूंगा आगे चल के। और मैंने आप सिंपल सा चलो डाउनलोड कर लिया, वो तो एक वीडियो डाउनलोड कर लेना है आपको। सिंपल सा डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको कुछ नहीं करना है, आपको चले जाना है आपके काइनमास्टर ऐप में और आप जो भी ऐप यूज करते हो उसको कर सकते हैं गाइस। मैं तो काइनमास्टर यूज करता हूँ। तो यहाँ पर काइनमास्टर में आके आपको सेलेक्ट करना है 1.1 रेडियो सेलेक्ट कर लेना है, जो कि शॉर्ट वीडियो के लिए नंबर 1 रहेगा। यहाँ पर ये मैंने कर लिया और यहाँ पर आपने चले जाना है वीडियो जहाँ आपने डाउनलोड कर रखा है उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं अभी आके सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने वीडियो डाउनलोड सेलेक्ट कर लिया है फ्लैट के लिए, जो भी मतलब आप वीडियो डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आ जाना है फर्स्ट पेज पर, फर्स्ट पे आके और यहाँ से आपको इसका वॉल्यूम म्यूट कर देना है गाइस। ये मैंने म्यूट कर दिया और यहाँ पर सिंपल सा आपको और कुछ नहीं करना है, मैं बता देता हूँ आपको। और आगे चल के आप करना है आपको वॉइस ओवर, और वॉइस ओवर करने के लिए आपको माइक दिख रहा है नीचे की ओर में, माइक पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर हेलो मांगेगा, हेलो कर दिया और यहाँ पर ये आप स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं सिंपल सा देख रहा हूँ स्टार्ट लिखा है ना, यहाँ पर मैं करता हूँ स्टार्ट पर क्लिक और कर दिया स्टार्ट पर, मेरा रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है दोस्तों। ये देखिए रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है, रिकॉर्ड हो रहा है, ये हो रहा है रिकॉर्ड। तो सिंपल सा ऐसा रिकॉर्ड आपका हो जाएगा, ये रिकॉर्ड हो गया। और अब इसमें आपको ये देखिए मेरा रिकॉर्ड हो गया। इस पर आपको अगर वॉइस मोज चेंजर लगाना हो, कोई वॉइस में थोड़ा बहुत चेंजिंग करना हो तो ये वॉइस चेंजर पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये वॉइस चेंज भी कर सकते हैं आप, इतना तो जानते होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको एक बात और बता दूँ दोस्तों कि अगर रिसीव्ड कंटेंट का आपको मतलब इसमें प्रॉब्लम लग रहा है तो आपको सिंपल से लिखने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है टी पर और यहाँ पर लिख देना आपको जो भी टाइटल में ऊपर लिखना चाहते हैं वीडियो के बारे में, जो भी आपका जैसा भी वीडियो हो। मैं लिख देता हूँ इसमें भीम का वीडियो है तो मैं भीम के बारे में लिख देता हूँ इसमें ऊपर, और भीम का वीडियो मैं लिख रहा हूँ देखिए इसमें भीम, चलो ठीक है ये मैंने लिख दिया है सिंपल सा आ गया। अब इस पर आपको मतलब टेक्स्ट पर बैकग्राउंड लगाना है, बैकग्राउंड नीचे मिल जाएगा आप इतना तो जानते होंगे, चलो ठीक है ये मैंने लगा दिया बैकग्राउंड। इसका मैं फुल कर देता हूँ, ऑपेसिटी फुल कर दिया मैंने, आप देखिए ये बन गया। इसको मैं फुल कर दूंगा, ये मैंने फुल लाइन में कर दिया और इसको ऊपर चिपका देना ऐसा, तो आपका वीडियो प्रोफेशनली तरीके से अच्छा भी लगने लगेगा और रिसीव्ड कंटेंट का प्रॉब्लम भी देखने को नहीं मिलेगा गाइस, गारंटेड बता रहा हूँ। चलिए इसको कर देना शुरू से लास्ट तक, ये मैंने कर दिया लास्ट तक गाइस, आपका ये वीडियो प्रोफेशनली बन के लगभग तैयार हो चुका है। और आप इसमें आप इसको YouTube पे अपलोड कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे आकर आप सेव कर लेना, यहाँ पर आपको जैसा भी मतलब करना है, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ सेव। तो गाइस थोड़ी सी देर में आपका वीडियो लगभग बन के तैयार हो गया है और यहाँ से सेव हो जाएगा। उस सेव करने के बाद आप वीडियो को अपलोड कर सकते हैं।